For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. Assalamu alaikum. मैं डॉक्टर मिस्बा मलिक हूँ और मैं गायनोकोलॉजी और ऑप्स की फील्ड में पिछले 25 साल से अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हूँ और इस स्पेशलिटी में मैंने एमसीपीएस और एफसीपीएस किया हुआ है और एस्थेटिक गायनोकोलॉजी में यूएस बेस्ड फेलोशिप है मेरे पास. जितने भी गायनी और ऑप्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हैं जैसे नॉर्मल डिलीवरीज, सिजेरियंस, अगर मिसकैरेज हो जाए तो उनको दवाइयों से डील करना, डीएनसी से डील करना, लेज़र सर्जरीज जो कि हमारी ज़ुबान में लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज होती हैं, लेप्रोस्कोपी के ज़रिए पीसीओ को डील करना, दवाइयों से पॉलीसिस्टिक ओवरीज को डील करना, लेज़र के थ्रू ओवेरियन सिस्ट्स को रिमूव करना, इसी के थ्रू यूट्रस को रिमूव करना जिसको हिस्टरेक्टमीज बोलते हैं, ये सारी सर्जरीज जो है वो मैं अपने सेटअप में करती हूँ. इसके अलावा जो एक नई चीज़ है, जो हमारे लिए एक नई चीज़ है, दुनिया में तो बहुत आम हो चुकी है, इसको एस्थेटिक गायनी कहते हैं, जो औरतों में एज के साथ हर बच्चे की पैदाइश के बाद और वीकनेस और ख़ुराक सही ना कर खाने की वजह से जो बॉडी में चेंजेस आती हैं उनको दोबारा बैक जाने के लिए जो हम लेज़र्स करते हैं, जैसे फेस के लेज़र शुरू हुए हैं कि चेहरे के रिंकल्स ख़त्म हो जाएं, इसी तरह ये औरतों के जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए लेज़र्स हैं ताकि उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो पहले की तरह यंग औरत की तरह स्ट्रॉन्ग और हेल्दी हो. ये लेज़र्स और ये एस्थेटिक गायनोकोलॉजी, दैट इज़ ऑल्सो माई स्पेशलिटी दैट आई हैव डन फ्राम US. अस्सलाम वालेकुम जी. हिस्टरेक्टमी एक ऑपरेशन है जिसमें ऑपरेशन के ज़रिए औरतों की बच्चादानी को निकाल दिया जाता है. अब इस ऑपरेशन की बहुत सारी किस्में हैं. मुकम्मल बेहोशी करके ये ऑपरेशन होते हैं. पहले तो ओपन हिस्टरेक्टमी है, ये जैसे कट लगाकर, पेट के ऊपर कट लगाकर यूट्रस निकाल दी जाती है और फिर उसको क्लोज़ कर दिया जाता है. एब्डोमेन को जिन जिन लेयर्स को हमने ओपन किया उन्हीं को क्लोज़ करके सेम टू नॉर्मल कर दिया जाता है. एक तरीका है जी कुछ इंडिकेशंस में जिसमें नीचे से यूट्रस को निकाला जाता है, उसमें पेट पे कट नहीं लगता, वजाइना के थ्रू यूट्रस निकाली जाती है, लेकिन ये ख़ास इंडिकेशंस में की जाती है, ये हर मरीज़ में ये नहीं की जा सकती. इसी तरह जो लेटेस्ट चीज़ है वो है जी लेज़र हिस्टरेक्टमी. इसमें दो या तीन होल्स के ज़रिए, जिसको लेप्रोस्कोपिक हिस्टरेक्टमी हम कहते हैं, वो हम बड़ा कट नहीं लगाते और जो उसके ज़रिए हम यूट्रस को निकाल देते हैं. जाहिर है इसमें कट नहीं लगता, इसमें मरीज़ को पेन कम होती है, इसमें उसकी पोस्ट ऑप रिकवरी बेहतर होती है और जाहिर है कि ये साइंटिफिकली ज़माने के हिसाब से एक लेटेस्ट प्रोसीजर है. हिस्टरेक्टमी एक ऑपरेशन जिसमें औरत की बच्चादानी निकाल दी जाती है, इसके बारे में बड़े मिथ्स हैं. सबसे बड़ा मिथ तो ये है कि लोग ये समझते हैं कि क्योंकि बच्चादानी निकल जाएगी तो उसके बाद शायद मियां बीवी के ताल्लुकात पे कोई इफ़ेक्ट हो. बताना ये है जी, बच्चादानी एक ऑर्गन है जो पेट के अंदर होता है, पेट के अंदर ऊपर करके होता है, इसको हमने पेट से निकालना है. इसका ताल्लुक मियां बीवी के ताल्लुकात से दूर दूर तक कहीं नहीं है. ये अपना बिल्कुल अपनी सोच दुरुस्त कर लीजिए. इसी तरह बच्चादानी निकलने के बाद आपको जोड़ों के मसाइल हो जाएंगे, आप वीक हो जाएंगी, आपकी हड्डियां खोखली हो जाएंगी या आपके दिल को मसला हो जाएगा. ऐसा कुछ नहीं है जी. बच्चादानी के ज़िंदगी में दो काम हैं, एक बच्चा पैदा करना और एक माहवारी लाना. इसके अलावा तीसरा कोई काम नहीं है. बच्चादानी निकालने से ही दो काम ही जाएंगे, बच्चा पैदा नहीं होगा और माहवारी नहीं आएगी, तीसरा कोई मसला नहीं होने लगा जी. हिस्टरेक्टमी या ऑपरेशन के ज़रिए बच्चादानी निकाल देना, इसकी मुख्तलिफ इंडिकेशंस हैं, मुख्तलिफ वजूहात हैं, जिसमें सबसे बड़ी वजह जो कॉमन है वो है बच्चादानी में रसौलियाँ जो कि मरीज़ को पेन कर रही हैं, मरीज़ को ब्लीडिंग में बहुत तंग कर रही हैं, पूरा पूरा महीना ब्लीडिंग होती रहती है या जब होती है तो बहुत ज़्यादा होती है, या उनको और इनकी वजह से डिस्कम्फर्ट है, कमर में दर्द है, नीचे की तरफ दर्द है, इस वजह से यूट्रस निकालनी पड़ सकती है, या अगर खुदा न खास्ता यूट्रस में कैंसर हो या यूट्रस के इर्द गिर्द जो अंडे दानियाँ हैं उनमें कैंसर हो, या बाज़ मरीज़ों में यूट्रस अपनी जगह छोड़ के नीचे को गिर जाती है और बहुत तंग करती है, उस केस में भी हिस्टरेक्टमीज करनी पड़ जाती हैं. इसी तरह कुछ मरीज़ ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा यूट्रस के अंदर कॉन्स्टेंट इन्फेक्शन एंड डिस्चार्ज एंड पेन,
वो जो कि दवाइयों को रिस्पॉन्ड ही नहीं करती करती है तो दोबारा हो जाती है, उनके केस में भी यूट्रस निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये चंद इंडिकेशंस हैं जिनकी वजह से यूट्रस निकालनी पड़ जाती है और इसको हम हिस्टेरेक्टमी बोलते हैं। और उसके मुख्तलिफ तरीके हैं जो कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिए। हिस्टेरेक्टमी करने का तरीका ये होता है जी कि मरीज़ को मुकम्मल बेहोशी दी जाती है और हम उसके या तो एब्डोमेन पे इंसिजन देकर सिजेरियन की तरह या लेप्रोस्कोपी के ज़रिए जो भी हम फैसला करें उसके ज़रिए हम मरीज़ के पेट के अंदर अप्रोच करते हैं और यूट्रस को जिन जिन सहारों से वो अंदर लगी हुई है उन उन सहारों से हम काट कर बाहर निकाल लेते हैं और पीछे से तमाम चीज़ों को एज़ इट इज़ वहीं पर सिक्योर करते हैं और उसके बाद हम एब्डोमेन को क्लोज़ कर देते हैं और यूट्रस को हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेज देते हैं। और इसमें कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को ये कहती हूँ कि आलात से मत डरें, ऑपरेशन से मत डरें, उस बीमारी से डरें जो आपके अंदर पल रही है। हमारे यहाँ उल्टा काम है, बीमारी अंदर पल रही है, बढ़ रही है, उससे नहीं डरना, ऑपरेशन से डरना है। ऑपरेशन उस बीमारी के हल का एक तरीका है जी, उससे प्लीज़ ना डरें। सेफ़ हैंड्स में जाएँ ताकि आपका अच्छा सा ऑपरेशन हो, जिस बीमारी की वजह से आप ऑपरेशन करा रहे हैं उससे आपकी खलासी हो और आप हंसते खेलते बाकी ज़िंदगी गुजारें। ऑपरेशन के ज़रिए बच्चादानी निकालने की जो भी वजूहत होती हैं, जैसे रसौली है, जैसे ब्लीडिंग का बहुत ज़्यादा आना, पूरा पूरा महीना आते रहना, बहुत इन्फेक्शन रहना, बहुत पेन रहना, खुदा न खास्ता कैंसर हो जाना, हिस्टेरेक्टमी के ज़रिए इन तमाम चीज़ों से आपकी निजात है जी। ना रहेगा बाँस ना बजेगी बांसुरी। तंग करने वाली बच्चादानी निकल गई है तो उसके साथ उसके मसले निकल गए हैं। लिहाजा यूट्रस निकालने के बाद आप इन तमाम बीमारियों से, जिस भी बीमारी की वजह से आपने ऑपरेशन कराया उससे आपकी निजात होगी और आप बिल्कुल ठीक और सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे। दो काम होंगे, आपके बच्चे नहीं पैदा होंगे, जो कि आम तौर पर जिस एज में हिस्टेरेक्टमी होती है उस वक्त तक औरतें फैमिली कंप्लीट कर चुकी होती हैं, दैट इज़ नॉट द बिग इशू। और दूसरे पीरियड्स नहीं होंगे, वो भी पीरियड्स ही तंग आ रहे होते हैं जिसकी वजह से हिस्टेरेक्टमी होती है, लिहाजा उससे भी आपका छुटकारा होगा। इन एनी केस जिन लोगों में इंडिकेशन है उनमें हिस्टेरेक्टमी के फ़ायदे ही हैं। इससे बेफिक्र होकर जाइए, कोशिश कीजिए सेफ़ हैंड्स में, एक्सपर्ट हैंड्स में जाएँ ताकि आपका अच्छा सा ऑपरेशन हो और बीमारी से आपका छुटकारा हो। अगर किसी भी वजह से आपकी हिस्टेरेक्टमी डिसाइड हो गई है, आपको पता चल गया है कि मुझे अपना ऑपरेशन आके यूट्रस निकालनी है जिस भी वजह से, उसके लिए आप बहुत अच्छा ये फोरम है, यहाँ पर रब्ता कीजिए। मरहम पे रब्ता करके अपने पसंदीदा डॉक्टर से आप अपना कॉन्ट्रैक्ट लीजिए, उनसे अपॉइंटमेंट सेट कीजिए और सेफ़ हैंड्स में, एक्सपर्ट हैंड्स में, सीनियर हैंड्स से अपना ऑपरेशन करवाइए। थैंक यू।